सिंह। नमस्कार, मेरा नाम दुलारी अंसारी है। आप देख रहे हैं न्यूज 21। आज चर्चा करेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की। छत्तीसगढ़ में उपचुनाव का माहौल काफी गर्माया हुआ है। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने ही अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जहां पे भाजपा ने वरिष्ठ नेता पर भरोसा जताया है, वहीं कांग्रेस ने युवा नेता पर अपना भरोसा जताया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं दुलारी अंसारी जी, जो काफी बड़े पत्रकार हैं, काफी वरिष्ठ पत्रकार हैं, काफी ज्यादा जानकारी रखते हैं और न्यूज 21 के स्टेट हेड भी हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या है इस चुनाव में, किसके चांसेस ज्यादा हैं, युवा नेता जीतेंगे या फिर वरिष्ठ नेता? देखो तुलिका, साफ तौर पर मैं बता दूं कि जब जब चुनाव हुए हैं, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी है। कांग्रेस ने 8 बार हारा है, तभी 8 बार बीजेपी वहां से जीती है। एक बड़ा सवाल तब बन जाता है जब उनके पास वरिष्ठ नेता थे, जैसे चरणदास महंत थे, जैसे रविंद्र चौबे थे, टीएस बाबा थे, बड़े नेता थे। ऐसा नहीं कि कांग्रेस में नेताओं की कमी है। और अगर हम बात करें दक्षिण विधानसभा उपचुनाव की, तो नामांकन फॉर्म किसने खरीदा? प्रमोद दुबे ने खरीदा। और प्रमोद दुबे को लगता था कि मैं कहीं ना कहीं मुझे टिकट मिलेगी, क्यों? वरिष्ठता के आधार पे। देखिए, उनका एक्सपीरियंस देखे तो वो रायपुर के 2015 में महापौर रहे हैं, उसके पहले देखे तो पार्षद रहे हैं, उसके बाद अभी तत्कालीन देखे तो सभापति है, और उन्होंने कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा है लोकसभा का भी, तो उनको पृष्ठभूमि की बहुत ज्यादा जानकारी कि लड़ी कैसी जाती है, लड़ाई को लड़ना कैसे, ये जानकारी थी। और मुझे लगता है कि अगर उन्हें टिकट मिलता प्रमोद दुबे को, तो हो सकता था थोड़ी सी टफ फाइट देखने को मिलती। खैर, ये बताया जा रहा है कि युवाओं का साथ रहेगा, और आकाश शर्मा खुद भी ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण वोट जो है वो दक्षिण में बहुत ज्यादा है, एक बड़ा प्रभुत्व है ब्राह्मण का। और ब्राह्मण की ऐसी मानसिकता भी मानी जाती है, बताने वाले विद्वान लोग बताते हैं कि वो ब्राह्मण ब्राह्मण को सपोर्ट करते हैं, चीजें करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर ऐसा परिवेश रहा कि ब्राह्मण ब्राह्मण को देख के वोट करेगा, इसी उद्देश्य से कांग्रेस ने टिकट दी है। और इसी उद्देश्य को अगर कांग्रेस ने सफल बना लिया, आकाश शर्मा इसको भुना पाए, तो मुझे लगता है कि इस बार आटे काटे की टक्कर होगी और कोई भी जीत सकता है, कोई भी हार सकता है। पर इससे परे क्या है, इससे परे ये है कि बृजमोहन अग्रवाल के खिलाफ चुनाव है। ये खिलाफ आप ये मत देखिए कि सुनील सोनी जी सामने खड़े सुनील सोनी जी खड़े, पर जब उनके पीछे बृजमोहन अग्रवाल खड़े हैं, और जब बृजमोहन अग्रवाल खड़े होते हैं तो वो हारते नहीं है, वो अपने लोगों को हारने देते नहीं है, वो अजय है, उन्हें राजनीतिक में अजय कहा गया, जब भी वो लड़े तब जीते। तो मुझे नहीं लगता है कि इस बार उतना टफ फाइट देखने को मिलेगा जितना लोग सोच रहे थे। खैर, ये तो समय बताएगा, 13 तारीख को पता चलेगा तुम्हें भी और मुझे भी। पिछले 8 बार बृजमोहन अग्रवाल थे, लेकिन इस बार सुनील सोनी जी हैं। कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि भाजपा जो रायपुर दक्षिण विधानसभा है, वो बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है या भाजपा का गढ़ है? देखिए, ये दोनों का गढ़ रहा है, क्योंकि जब भी बृजमोहन अग्रवाल लड़े हैं तो निर्दलीय कभी चुनाव नहीं लड़े, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ और सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। कहीं ना कहीं भाजपा का भी गढ़ उतना ही माना जाएगा जितना बृजमोहन अग्रवाल का गढ़ है। साफ तौर पे हमेशा कमल छाप पर ही बृजमोहन अग्रवाल ने मुहर लगाई और उन्हीं के सहारे लड़ा है, और 8 बार उन्हीं के सहारे, आज सांसद भी है तो कमल के सहारे ही है। तो मुझे नहीं लगता है कि संगठन से परे है। और नेता, देखिए, नेता का अपना एक व्यक्तित्व होता है, हर नेता का होता है, ऐसा नहीं है। पर आप ये बोल दो कि पार्टी से अलग जाके नेता का व्यक्तित्व है, तो ये भी सही नहीं है। नेता अपने आप में ब्रांड होता है, पर उस ब्रांड के साथ एक और ब्रांड होता है, वो है पार्टी का ब्रांड, वो है बाकी नेताओं का सपोर्ट, पार्टी की फंडिंग का सपोर्ट। तो बहुत, मैं बोल सकता हूँ कि 50-50 दोनों का वोट बैंक रहा होगा। बृजमोहन अग्रवाल का भी 50% वोट बैंक रहा होगा, 50% मैं बोल दूं कि बीजेपी का भी रहा होगा। दोनों के सामंजस्य के आधार पे ही ये निर्णय निकलते हैं। तो ऐसा साफ तौर पे कहना कि सिर्फ बृजमोहन अग्रवाल जीते या सिर्फ बीजेपी जीती है, तो मुझे नहीं लगता है कि तुलिका ये मामला सही होगा। तो बीजेपी को कहीं ना कहीं ये विश्वास था कि वो रायपुर दक्षिण विधानसभा पे जीत हासिल करेगी ही करेगी, तभी तो उन्होंने सांसद का टिकट दिया बृजमोहन अग्रवाल को। देखो, सबसे बड़ा सवाल तब बन जाता है कि उन्हें ये पता था कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे, वो प्राइमरी मैटर नहीं, पर उन्हें ये पता था कि लोकसभा में हमें 400 का नारा दिया है, हमें फुल मेजोरिटी की सरकार चाहिए, हमें जीतना है। तो वो, उनको ऐसे लोग चाहिए थे जो अजय लोग हो, जो जीत के कद्दावर माने जाते हो, जिनकी जीत गुलाम है, मैं साफ तौर पे बता रहा हूं। तो उन्होंने पूरे इंडिया से लिस्ट निकालना चालू की। तो ऐसे नेताओं में बृजमोहन अग्रवाल का नाम था,
कि ये जीत पक्की करके देंगे। ऐसे नेताओं में ब्रिजमोहन अग्रवाल सबसे आगे थे क्योंकि उसने उन्हें शुरू से आखिरी तक कभी भी चुनाव नहीं हारा है। सर तो ऐसे में सवाल खड़े होते हैं क्योंकि सुनील सोनी जी पूर्व सांसद रह चुके हैं, क्या उन पर भाजपा का भरोसा नहीं था, क्या उन भाजपा को विश्वास नहीं था कि सुनील सोनी जी फिर से जीत हासिल कर पाएंगे लोकसभा चुनाव में? पहले बताया जीत हासिल करना हो सकता था, सुनील सोनी भी जीतते, मैं इस बात से कहीं असहमत नहीं हूँ, पर पहले से जीत हासिल होना, पहले से जीत सुनिश्चित होना, वो सिर्फ ब्रिजमोहन अग्रवाल को टिकट देकर ही हो सकता है। तो इससे साफ तौर पर ये समझा जा सकता है कि जितना भरोसा या फिर जितना विश्वास भाजपा को ब्रिजमोहन अग्रवाल पे था उतना सुनील सोनी पे नहीं। ये कह सकते हैं टिकट का मतलब यही निकाला जाता है कि वो भरोसा कहीं ना कहीं सुनील सोनी पर नहीं था। पर आप कैंपेन में देखिए कि सुनील सोनी हर जगह साथ में थे। ब्रिजमोहन अग्रवाल अपने स्टेटमेंट में क्या कहते थे, अपने स्टेटमेंट में कहते थे कि पहली बार मंच में आप प्रेजेंट भी देखेंगे और फ्यूचर भी देखेंगे, ये प्रेजेंट के सांसद है, मैं फ्यूचर का सांसद हूँ। तो जीत तभी सुनिश्चित हो गई थी जब टिकट ब्रिजमोहन अग्रवाल जैसे नेता को मिले, तो जीत पक्की हो जाती है, उसमें फिर कोई दो राय नहीं होता है। राजनीतिक गलियारों में पहले से खबर थी कि 11 सीट लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ में, पर एक लोकसभा सीट बीजेपी जीत चुके, वो ब्रिजमोहन अग्रवाल की सीट थी। सर ये ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, आकाश शर्मा को टिकट देकर कहीं ना कहीं कांग्रेस ने को ये उम्मीद है कि उनके पक्ष में ब्राह्मण वोटर्स का मतदान जाएगा, तो इस पर आप क्या कहेंगे, क्या भाजपा क्या कांग्रेस को ब्राह्मण वोटर्स का मिलेगा मत? मुझे जहां तक लगता है युवा का टिकट देना, देखो दो परसेप्शन कांग्रेस ने सेट करके टिकट दिया। पहला परसेप्शन ये था कि एक युवा नेता को टिकट दिया जाए ताकि युवाओं में जोश रहे, युवा वोटिंग करे, और काफी अच्छी पकड़ बताई जा रही है जो अभी तक मेरे पास अपडेट चल करके आई है। जब ये खबर हम लोग बना रहे हैं तो एक बड़ी अपडेट आई है कि युवाओं के बीच पकड़, ये बीजेपी भी मान रही है कि युवाओं में अच्छी खासी पकड़ है, ये सामने कोई नहीं बोल रहा पर अंदरूनी बातें चल रही है कि नो डाउट अच्छी पकड़ है आकाश शर्मा की। और दूसरा परसेप्शन है कि वो ब्राह्मण है, तो मुझे लगता है कि सारे ब्राह्मणों का सपोर्ट मिले ना मिले, पर कुछ ब्राह्मणों का सपोर्ट जरूर आकाश शर्मा को रहेगा। इन्हीं दो तीनों परसेप्शन को देखते हुए उन्हें टिकट दिया गया और इस टिकट को बांटा गया है। और इस बार एक एक्सपेरिमेंट बोल से देखे, कोई नहीं जानता था कि रविंद्र चौबे को ईश्वर साहू हरा सकते जो रिक्शा चालक है, पर उन्होंने हराया, उन्होंने दिखाया कि देखिए राजनीतिक में कोई जीतता भी है और कोई हारता भी है, कोई 10 बार जीता हुआ भी। ज्योतिरादित्य सिंधिया को किसने हराया, उनके ड्राइवर ने हराया, तो जीत हार एक अलग है, पर ये सीट जो है उस समय की योग चुनाव की जो सीटें हैं वो बहुत अहम हो जाती है। तुली का क्यों अहम हो जाती है, क्योंकि ब्रिजमोहन अग्रवाल की सीट है। तो मुझे जहां तक लगता है बहुत मजा आने वाला एक बार के चुनाव कवरिंग में, बहुत बहुत मजा आएगा क्योंकि दोनों आमने सामने, एक तरफ युवा है और एक तरफ सुनील सोनी है, जिस पर कांग्रेस ने टैग लगा दिया निष्क्रियता का कि उन्होंने 5 साल कोई काम नहीं किया। खैर उन्होंने इतना बड़ी बात कह दी कि एक ईंट तक एक ढेला तक नहीं लगाया, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है और ब्रिजमोहन अग्रवाल को इस बार लोग अगर वोट नहीं करेंगे तो सांसद सुनील सोनी को बड़ा खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। कांग्रेस ने युवा पर दाव अपना खेला है, बहुत बड़ा दाव खेला है, लेकिन ये कहीं ना कहीं कांग्रेस पर उल्टा चलता भी नजर आ रहा है क्योंकि पहले ही कन्हैया अग्रवाल ने जो है नामांकन फॉर्म खरीद लिया और प्रमोद दुबे ने भी खरीद लिया नामांकन फॉर्म। इन दोनों ने ही नामांकन फॉर्म खरीद लिया पहले ही, नाम घोषित होने से पहले ही, कहीं ना कहीं दोनों को कॉन्फिडेंस था हो सकता है। हालांकि प्रमोद दुबे का कहना है कि उन्होंने, क्योंकि नामांकन जो प्रक्रिया रहती है, गए जरूर थे पर उन्होंने खरीदा नहीं था, प्रमोद दुबे ने साफ तौर पे खरीद लिया था क्योंकि उन्हें विश्वास था कि टिकट उन्हें मिलेगा। आगे बताइए। हालांकि ये प्रमोद दुबे का ये कहना है कि उन्होंने इसलिए खरीदा था क्योंकि वो नामांकन का जो प्रक्रिया होता है वो काफी लंबा होता है, सारे प्रोसीजर कर चुके थे, मैं बता दूं। तो वो सपोर्ट करने के लिए अगर किसी का नाम सामने आता है तो पहले से प्रोसीजर डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब प्रिपेयर करके रखे ताकि ज्यादा टाइम ना लगे, ऐसा उनका कहना है। लेकिन कहीं ना कहीं ये उल्टा दाव कांग्रेस की तरफ कांग्रेस पर उल्टा दाव पड़ता नजर आ रहा है। लोगों का कहना है, बीजेपी का भी आरोप है कि कांग्रेस में कई वरिष्ठ नेता हैं जिनको मौका दिया जा सकता था लेकिन कांग्रेस ने युवा पर भरोसा जताया। देखिए क्या होता है तुलिका, जब चीजें जब शुरुआती दौर में होती हैं तो एक अलग होती है और जब अंतिम दौर में होती है तो एक अलग होती है। कल तक बहुत नेता नाराज थे पर जब आज आकाश शर्मा अपना नामांकन फॉर्म भरने निकले
तो उनके साथ खोखो पाड़ी थे, उनके साथ प्रमोद दुबे थे, उनके साथ कन्हैया अग्रवाल थे, जितने वरिष्ठ नेता है वो सारे लोग थे। बताया जाता है कि खोखो पाड़ी और आकाश शर्मा की कभी बनी नहीं, हमेशा 36 का आंकड़ा रहा, पर 36 के आंकड़े के बाद भी अगर खोखो पाड़ी पहुंच रहे हैं तो ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं टिकट मिलने के बाद संगठन से ये फैसला आ चुका है कि सबको एक रहना है, एक तालमेल बैठा करके इस बार का चुनाव लड़ना है और जीतना है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अब सारे गिले शिकवे जो है वो कांग्रेस नेता ने भुला दिए हैं और सब एक होकर के इस बार चुनाव लड़ेंगे। अगर एक होकर के नहीं लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ये सीट कभी जीत पाएंगे। ये उनके पास अच्छा मौका है, पर ये मौका भी मुझे लगता है कि अगर गवा देंगे, अगर एक होकर के नहीं लड़ा तो बहुत जरूरी हो जाता है कि एक होना पड़ेगा कांग्रेस को और एक होकर ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। अगर एक नहीं होंगे तो कभी भी ये जीत नहीं पाएंगे। सर एकता आप बोल रहे हैं कि कांग्रेस में एकता आ गई है, लेकिन क्या ये एकता दिखावे वाली है या फिर सच में एकता आ गई है? क्योंकि भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह है। हमने पहले भी देखा जहां पे भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के बीच कितनी ज्यादा अंदरूनी कलह थी, और अभी भी हमने देखा कि कैसे प्रमोद दुबे ने नामांकन फॉर्म पहले ही खरीद लिया था प्रत्याशी घोषित होने से पहले ही। तो ये दिखावे की एकता है या फिर सचमुच एकता आ गई है? देखिए ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि दिखावे की एकता है कि सचमुच एकता आ गई है, पर ये तो उनके अंदरूनी ही लोग बता सकते हैं कि क्या है करके। पर जो नाराजगी थी वो कहीं ना कहीं दूर होते नजर। देखिए इनके वोटों से फर्क नहीं पड़ना, अगर खोखो पाड़ी जी 100 वोट डलवा पाएंगे 200, पर ये जो लोग एकता देखेंगे, जो लोगों के न्यूज चैनल के माध्यम से जो लोगों तक पहुंचेगा, जो मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचेगा, तो इसके बाद लोगों में तो ये परसेप्शन आएगी ना कि ये एक है करके। तो ये सबसे बड़ा परसेप्शन जो है वो वही परसेप्शन है कि लोगों को दिखाना है कि हम एक है। भले ये अंदर अलग हो, भले ये एक दूसरे का टांग खींचते हो, पर एक दूसरे के टांग खींचने के बावजूद जो आज न्यूज चली है, जो आज एक परसेप्शन कांग्रेस ने बनाई है, वो परसेप्शन क्या है कि वी आर वन, हम एक हैं, हम सब एक हैं। तो ये मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये वोट पे असर डालेगा। ये जो माजरा जो है, ये जो कहानी जो है ना, ये वोटों पे हेर फेर करेगी, ये मार्जिन को ऊपर नीचे करेगी। जीते कोई हारे कोई वो एक अलग है, पर वोट इस बार बदलने वाले हैं। इस बार का चुनाव एक अलग होने वाला है, क्योंकि कन्हैया अग्रवाल को एक्सपीरियंस था, प्रमोद दुबे को एक्सपीरियंस था, बहुत लोगों को एक्सपीरियंस था। पर अगर संगठन ने दरकिनार किया है तो कोई ना कोई बड़ी एक वजह है। और मैं फिर बता रहा हूँ कि राजनीतिक में कोई भी हारता है, कोई भी जीतता है, ऐसे सैकड़ों उदाहरण है कि बड़े बड़े लोगों को एक छोटे से व्यक्ति ने हराया। ये छत्तीसगढ़ में ही देख लीजिए कि मैं फिर बता दूं कि इस बार साहू ने रविन चौबे को हरा दिया। तो एक वो कहना एक अलग चीज है कि हारेंगे नहीं, पर मुझे लगता है हारना जीतना एक अलग है, बट फाइट टफ होने जा रहा है, तब वो धीरे धीरे धरातल पे दिख रही है। सर रायपुर दक्षिण की जनता में एक हल्की सी आक्रोश की भी भावना देखने को मिल रही है क्योंकि बृजमोहन अग्रवाल को मंत्री नहीं बनाया गया। देखिए मंत्री तब बनाया जाता जब उन्हें लोकसभा नहीं भेजा जाता, तो वो उससे पहले भी तो वो मंत्री दे दिया गया था उन्हें मंत्री पद। ऐसा तो नहीं कि उन्हें मंत्री पद नहीं दिया गया था, शिक्षा विभाग का उन्हें मंत्री बना दिया गया था बृजमोहन अग्रवाल, लेकिन राष्ट्र स्तर पर तो मंत्री नहीं बना। राष्ट्र स्तर पर अभी आप कहना बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि अभी बहुत सारे बदलाव होने हैं। अभी तो सिर्फ चुनाव महज हुआ है, महज चुनाव होने के बाद अभी सरकार का गठन हुआ है। तो ये कहना कि अभी बृजमोहन अग्रवाल को कुछ नहीं मिला, हो सकता है आने वाले समय में कुछ बड़ा बृजमोहन अग्रवाल के लिए रखा गया हो, कुछ बड़ी भेंट जो बीजेपी की तरफ से है वो बृजमोहन अग्रवाल को दी जाएगी। तो ये अभी कहना कि बृजमोहन अग्रवाल को कुछ नहीं मिला, ये बहुत जल्दबाजी है। ये प्राइमरी स्टेज हो जाएगी कि जब हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं मिला, बहुत कुछ मिला है, बीजेपी ने बहुत कुछ दिया है बृजमोहन अग्रवाल को। ऐसे नेता नहीं हो कि उन्हें कुछ ना मिले, वो गद्दावर नेता माने जाते हैं बीजेपी। तो रायपुर दक्षिण की जनता, रायपुर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता, इन सभी को समझना होगा कि अभी घड़ी है, अभी हो सकता है कुछ बदलाव हो जाए और बृजमोहन अग्रवाल को कोई पद मिल जाए। ये जनता को बताने में बीजेपी लगी हुई है कि हमने बृजमोहन अग्रवाल के साथ बहुत अच्छा काम किया, खराब काम कोई भी नहीं किया। ये बार बार बीजेपी टीवी डिबेट्स में और बाइट के माध्यम से बता रही है कि बृजमोहन अग्रवाल हमारे बहुत अच्छे नेता है, बहुत वरिष्ठ नेता है, और उन्हें हम कुछ ना कुछ अच्छा देंगे, या हमने जो भी दिया वो अच्छा है। वो जनता के लिए पहले एक छोटे से विधानसभा के विधायक हुआ करते थे, अब तो ऐसे हैं कि बड़े लोकसभा के सांसद है, बड़ा है, बड़े लोगों की सेवा करने का मौका मिलेगा। बृजमोहन अग्रवाल ने मुझे वो दिन याद आता जब मैं
उनके स्टेटमेंट में था, उनके पीसी में था, तो वो बोला करते थे कि इस बार मौका है। बहुत लोग मुझसे पूछते कि भैया मैं तो उत्तर में रहता हूँ, मुझे बड़ा मन है वोट डालने का पर मैं डाल नहीं पाता हूँ, मुझे मैं पूरब में रहता हूँ, मैं दक्षिण में रहता हूँ, मैं ग्रामीण में रहता हूँ, मैं आपको सोचता हूँ कि आप हमारे तरफ से होते तो मैं वोट डालता, तो ये मौका है बृजमोहन अग्रवाल को वोट डालने का। इस स्टेटमेंट में कहा कि अब वो कहीं भी हो, दक्षिण में हो, उत्तर में हो, पूरब में हो, पश्चिम में हो, हर वर्ग के पास मुझे वोट करने का मौका है। क्यों? क्योंकि मैं पूरे जगह के लिए लड़ रहा हूँ, पूरे लोग मतलब भाटापारा तक लोगों ने वोट किया है। मतलब ये कहना कि बृजमोहन अग्रवाल की ख्याति नहीं है, बृजमोहन अग्रवाल की गुडविल नहीं, बड़ी गुडविल है। बीजेपी अपने आप में ब्रांड है, बृजमोहन अग्रवाल अपने आप में ब्रांड है। तो जनता इस बात को समझती है कि नेता कोई बने ना बने, हमारा जो हल है वो बृजमोहन अग्रवाल कर देंगे। तो मुझे लगता है कि बृजमोहन अग्रवाल और पूरी बीजेपी लोगों को ये समझाने में लग गई है कि हम एक हैं, हम एक साथ हैं, सुनील सोनी और बृजमोहन अग्रवाल एक ही व्यक्ति है, ये बता रही है बीजेपी। सर, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के जो प्रत्याशी हैं सुनील सोनी और आकाश शर्मा, इन दोनों के बारे में भी कुछ आप बता। मैं एकदम साफ तौर पे बता देता हूँ कि इससे पहले वो NSY के अध्यक्ष थे, 2018 में उन्हें राष्ट्रीय सचिव भी बनाया गया, और सचिव बनने के बाद दौर आया, सरकारें आई, सरकारें गिरी, और अब उन्हें दे दिया गया। कोई पॉलिटिकली बड़ा बैकग्राउंड नहीं आकाश शर्मा जी का, पर ऐसा है कि उन्होंने रहते हुए युवाओं के लिए बहुत कुछ किया है, युवा नेता के तौर पे उभर करके आए हैं, और ये उभर करके आने के बाद उन्होंने ये चुनाव का टिकट मिला है। खैर, वो बताए जाते हैं कि उनके अच्छे लिंक है कांग्रेस में और उन्हीं की वजह से ये टिकट उन्हें मिला है। तो एक दो बातें समझ में आती है कि वो प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं NSY के और राष्ट्रीय सचिव रहे हैं 2018 में, ये दो लाइनें मैं आपको बता दूँ। तीसरी बड़ी बात मैं सुनील सोनी की जी के लिए बता दूँ, वो महापौर भी रहे हैं और वो सभापति भी रहे हैं, पार्षद भी रहे हैं, महापौर भी रहे, और वो रायपुर के लोकसभा के सांसद भी रहे। तो उनका पहले पॉलिटिकल बैकग्राउंड आकाश शर्मा से ज्यादा मजबूत है, ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा शक्तिशाली है। तो इस बार दो लोगों के बीच है जिसके पास एक सुपर पावर नहीं है और एक के पास सुपर पावर है। तो सुपर पावर किसके पास है वो खैर जनता बताएगी, वो समय बताएगा। 13 नवंबर के बाद 23 नवंबर की डेट पर हम सबकी नजरें बनी हुई है। तो 13 नवंबर को मतदान होना है, जनता डिसाइड करेगी कि क्या वो युवा नेता को मौका देंगे या फिर से वरिष्ठ नेता पर भरोसा जताएंगे, और बीजेपी का जो ये गढ़ है वो बीजेपी के हाथ में ही रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। 13 नवंबर को मतदान है, 23 नवंबर को नतीजे हैं, सबके सामने होंगे नतीजे। तब तक के लिए बने रहिए, हर चुनावी अपडेट हम आपको देते रहेंगे, छोटी से छोटी खबर और बड़ी से बड़ी खबर आपको न्यूज 21 पर मिलती रहेगी। धन्यवाद।